हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान का 12वां अध्याय ध्वनि साउंड। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानवों, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविजन, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। पिछले अध्याय में आप यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। इसके अनुसार आप ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। आप इसे केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किस माध्यम में यह किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है ध्वनि का उत्पादन। तो इसके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप है। एक स्वरित्र द्विभुज लीजिए और इसकी एक भुजा को एक रबड़ के पैड पर मारकर इसे कंपित कराइए। इसे अपने कान के समीप लाइए। क्या आप कोई ध्वनि सुन पाते हैं? कंपमान स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को अपनी उंगली से स्पर्श कीजिए और अपने अनुभव को अपने मित्रों के साथ बांटिए। अब एक टेबल टेनिस या एक छोटी प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाइए। एक लंबी सुई और धागा लीजिए। धागे के एक सिरे पर एक गांठ लगाइए और सुई की सहायता से धागे को गेंद में पिरोइए। पहले कंपन न करते हुए स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। फिर कंपन करते हुए स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। देखिए क्या होता है। अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए और दोनों अवस्थाओं में अंतर की व्याख्या का प्रयत्न कीजिए। इस प्रकार से एक क्रियाकलाप है। एक बीकर या गिलास को ऊपर तक पानी से भरिए। कंपमान स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को चित्र 12.2 में दर्शाए अनुसार पानी की सतह से स्पर्श कराइए। अब चित्र 12.3 में दर्शाए अनुसार कंपमान स्वरित्र द्विभुज की दोनों भुजाओं को पानी में डुबोइए। देखिए कि दोनों अवस्थाओं में क्या होता है। अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आप किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने स्वरित्र द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरचकर, रगड़कर, वायु फूंककर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं? हम वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। मनुष्य में वाक् ध्वनि उनके वाक् तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तब तो क्या आप कोई ध्वनि सुन सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में खींचकर छोड़ने पर यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया तो इसे कीजिए और तनी हुई रबड़ के छल्ले के कंपनों को देखिए। एक क्रियाकलाप और है। विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए और अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन वाद्य यंत्रों का कौन सा भाग कंपन करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ध्वनि का संचरण। हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते हैं। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती।
माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के कण नहीं माध्यम में होता हुआ संतरित होता है। क्या ध्वनि एक प्रकाश के धब्बे को नृत्य करा सकती है? तो इसके लिए एक प्रयोग है। एक टिन का डिब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरों को काट कर एक खोखला बेलन बना लीजिए। एक गुब्बारा लीजिए, इसको इस प्रकार काटे कि इसकी एक झिल्ली बन जाए। इस झिल्ली को खींचकर डिब्बे के एक खुले सिरे के ऊपर तान दीजिए। गुब्बारे के चारों ओर एक रबड़ का छल्ला लपेट दीजिए। समतल दर्पण का एक छोटा टुकड़ा लीजिए, दर्पण के इस टुकड़े को गोंद की सहायता से गुब्बारे से इस प्रकार चिपकाइए कि उसकी चमकदार सतह ऊपर की ओर हो। एक झर्री मतलब स्लिट से आने वाले प्रकाश को दर्पण पर रगड़ने दीजिए। परावर्तन के पश्चात प्रकाश का धब्बा दीवार पर पहुँचता है, जैसे कि चित्र 12.4 में दर्शाया गया है। डिब्बे के खुले भाग में सीधे ही बात कीजिए या चिल्लाइए और दीवार पर प्रकाश के धब्बे को नाचते हुए देखिए। अपने मित्रों से प्रकाश के धब्बे के नाचने के कारण के बारे में चर्चा कीजिए। इस प्रकार से तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण किसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। इस माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में माना जा सकता है। ध्वनि तरंगें माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर गति करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न मतलब कंप्रेशन कहते हैं। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे या पीछे की ओर तेज गति करती है तो वायु में संपीड़न या और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यह संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम में होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। दाब किसी माध्यम के लिए के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब की ओर और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है तो इसे आप ध्यान से पढ़ें। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु जल स्टील आदि की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती। इसे निम्न प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक छोटा सा प्रयोग है। एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायु विरुद्ध बेल जार लीजिए। विद्युत घंटी को बेल जार में लटकाइए। बेल जार को चित्र 12.6 की भांति एक निर्वात पंप से जोड़िए। घंटी के स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप को चलाइए। जब बेलजार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है, यद्यपि उसमें पहले जैसी विद्युत धार प्रवाहित हो रही हो। कुछ समय पश्चात जब बेलजार में वायु बहुत कम रह जाती है तब आपको बहुत धीमी ध्वनि सुनाई पड़ती है। यदि बेलजार की समस्त वायु निकाल दी जाए तो क्या होगा? क्या तब भी आप घंटी की आवाज़ सुन पाएंगे? ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं तो इसके लिए क्रियाकलाप करेंगे। एक स्लिंग की मतलब स्प्रिंग लीजिए। इस स्प्रिंग को चित्र 12.7 में दर्शाए अनुसार खींचिए। अपने मित्र की ओर स्प्रिंग को एक तीव्र झटका दें। आप क्या देखते हैं? यदि आप अपने हाथ से स्प्रिंग को लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते हैं और खींचते रहे तो आप क्या देखेंगे? यदि आप स्प्रिंग पर चिन्ह लगा दें तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग पर लगा चिन्ह विक्षोभ के संचरण की दिशा में समांतर आगे पीछे गति करता है। उन क्षेत्रों को जहां स्प्रिंग की कुंडलियां आसपास आ जाती हैं संपीड़न और उन क्षेत्रों को जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती है विरलन कहते हैं। आप जानते हैं किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है। अब आप किसी स्प्रिंग में विक्षोभ के संचरण और किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये तरंगें
अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती है, अतएव ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। यदि आप स्प्रिंग के अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर दाएं बाएं हिलाएं, तब भी आपको स्प्रिंग में तरंग उत्पन्न होती दिखाई देगी। इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार इस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसके माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। इस तालाब में पत्थर का टुकड़ा किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है, किंतु प्रकाश के दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है। आप अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी उच्च कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि तरंग के अभिलक्षण, क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं, तीन अभिलक्षण होते हैं, पहले आवृत्ति, दूसरा आयाम और तीसरा वेग। ध्वनि तरंग को ग्राफीय रूप से चित्र 12.8 सी में दिखाया गया है, जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व और दाब में कैसे परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उनके औसत मान के ऊपर और नीचे की दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। चित्र 12.8 ए और 12.8 बी प्रदर्शित करते हैं कि जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव होते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र है जहां कण पास पास आ जाते हैं। इन्हें वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है। चित्र 12.8 सी शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विलयन निम्न दाब के क्षेत्र है जहाँ कण दूर दूर होते हैं और उन्हें घाटी में प्रदर्शित करते हैं। इन्हें वक्र के निम्न भाग में दिखाया गया है। शिखर को तरंग का सुरंग और घाटी को गर्त कहा जाता है। दो क्रमागत संपीड़नों तथा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य को साधारणतः लैम्डा, ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। अब एक वैज्ञानिक के बारे में बात कर लेते हैं। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज़ का जन्म 22 फरवरी 1857 को हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ और उनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा टेलीविजन के भी भविष्य में विकास की नींव रखी। उन्होंने विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की। आवृत्ति की एसआई मात्रा का नाम उनके सम्मान में रखा गया। यहाँ पर आपको घनत्व विभिन्नताएँ आपको दिखाई देंगे कि स्पीकर से निकलने वाली ध्वनि की, तो कहीं पर अधिक है, कहीं पर कंप्रेशन है, कहीं पर उसका अपोजिट है, मतलब कहीं पर विरलन और कहीं पर सघनता है इस तरह से। और दाब भिन्नताएँ इस तरह से दिखाई देंगी, जहाँ पर आर है वहाँ पर दाब भिन्नता कम होगी और जहाँ पर सी है वहाँ पर दाब भिन्नता अधिक होगी। ठीक है, और अगर आप इसकी तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे, तरंग की बात करेंगे, तो जहाँ पर विरलन है वहाँ पर आपको कोई तरंग नहीं दिखाई देगी, नीचे की ओर दिखाई देगी, गर्त दिखाई देगा, और जहाँ पर सघनता है वहाँ पर आपको सी दिखाई देगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। आवृत्ति में हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित होती है। मान लीजिए कि आप किसी ढोल को पीट पीट कर बजा रहे हैं। आप ढोल को एक सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वह आपके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति है। हम जानते हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम या न्यूनतम मान के बीच बदलता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान के परिवर्तन में और पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में एक इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की संख्या गणना करें तो हमको ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। इसे सामान्यतया वी मतलब न्यू, ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज, एचजेड इसका प्रतीक है, से प्रदर्शित किया जाता है। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों
को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। इसे टी अक्षर से निरूपित किया जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड है। आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, न्यू बराबर एक बटे टी। इस प्रकार एक तालाब एक तारत्व की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विरलन की अधिक संख्या गुजरती है। किसी ऑर्केस्ट्रो वाद्य वृंद में वायलिन तथा बांसुरी एक ही समय बजाई जा सकती है। दोनों ध्वनियां एक ही माध्यम में चलती हैं और हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुंचती हैं। दोनों की स्रोतों की ध्वनियां एक ही चाल से चलती हैं, लेकिन जो ध्वनियां हम ग्रहण करते हैं वे भिन्न भिन्न हैं। ऐसा ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण है तार तो इनमें से एक अभिलक्षण है। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी अधिक होती है, जिसका उसका तारत्व भी अधिक होता है। इस प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है, जैसा कि चित्र 12.9 में दिखाया गया है। विभिन्न आकार तथा आकृतिक वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न तारत्व की ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। इस तरह से ये दो तरंगे हैं, इनमें ऊपर तारत्व कम है, नीचे तारत्व अधिक है, ठीक है। इनकी संख्या पर डिपेंड करता है। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे साधारणतः अक्षर ए से निरूपित किया जाता है, जैसा चित्र 12.8 सी में दिखाया गया है। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः उसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारे तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारे तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम और प्रबलता दोनों कम होते जाते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूर तक चल सकती है, क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबंध है। चित्र 12.10 में समान आवृत्ति की प्रबल और मृदु ध्वनि की तरंग आकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। इस तरह से ध्वनि की यह गुणता मतलब टिम्बर वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता प्रदान करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर या नोट कहते हैं, और यह सुनने में सुखद होती है। शोर मतलब नॉइस कर्णप्रिय नहीं होता, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। इसे आप नोट कर लें, ये आपको आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ तक, ठीक है। हम जानते हैं कि वेग बराबर दूरी बटे समय, मतलब दूरी यहाँ पर लैम्डा है और समय टी है। तो लैम्डा इंटू एक बटे टी, यहाँ लैम्डा ध्वनि का तरंग दैर्ध्य है। यह तरंग द्वारा एक आवर्तकाल टी में चली गई दूरी है, अतः यहाँ पर एक बटे टी बराबर न्यू। तो आप इसे न्यू बराबर लैम्डा वी बराबर लैम्डा न्यू कर सकते हैं। वेग बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए समान लगभग स्थिर रहता है। एक उदाहरण है 12.1। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 kHz है और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 cm है। यह 1.5 किलोमीटर की दूरी चलने में कितना समय लेगी? तो इसका हल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको आवृत्ति दे रखी है न्यू बराबर 2 kHz मतलब 2000 Hz। तरंग दैर्ध्य लैम्डा दे रखी है 35 cm मतलब 0.35 meters। हम जानते हैं कि तरंग वेग वी बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति मतलब 0.35 × 2000 मतलब 700 m/s। तरंग को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा? 700 m/s चलती है तो 1.5 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा? 2.1 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वनिक तीव्रता किसे कहते हैं?
कि एक सेकंड में किसी एक बिंदु से गुजरने वाली ध्वनि की जो ऊर्जा होती है उसे ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता और तीव्रता शब्दों का पर्याय रूप से उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही नहीं है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती हैं, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिससे यह संचरित होती है। आप इस संबंध को अपनी उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर प्रति सेकंड और 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर प्रति सेकंड है। सारणी 12.1 में विभिन्न माध्यमों में एक विशेष ताप पर ध्वनि की चाल को दर्शाया गया है। इसे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि किस किस माध्यम में ध्वनि की वेग क्या है, चाल क्या है। अब एक बात और करेंगे, एक चीज़ जो आप अक्सर सुनते हैं, ध्वनि बूम। जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो उसे पराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जा सकता है। गोलियाँ, जेट, वायुयान आदि प्राय पराध्वनिक चाल से चलते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो ये वायु में प्रगति तरंग उत्पन्न करती हैं। इन्हें प्रगति तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रगति तरंगों से संबद्ध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। पराध्वनिक वायुवान से उत्पन्न इस ध्वनिक बूम से इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि यह खिड़कियों के शीशों को तोड़ सकती है और यहाँ तक कि भवनों को भी क्षति पहुंचा सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे ध्वनि का परावर्तन। क्या होता है ये ध्वनि का परावर्तन? किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है तथा परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका अध्ययन आप अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। परावर्तक सतह पर खींचे गए विलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच के कोण आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, जो चाहे पॉलिश किए हुए हो या फिर खुरदरे हों। इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। चित्र 12.11 की भांति दो एक जैसे पाइप लीजिए। आप चार्ट पेपर की सहायता से ऐसे पाइप बना सकते हैं। पाइपों की लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए चार्ट पेपर की लंबाई के बराबर। इस तरह से इन्हें दीवार के समीप किसी मेज पर व्यवस्थित कीजिए। एक पाइप के खुले सिरे के पास एक घड़ी रखिए और दूसरे पाइप की ओर घड़ी की ध्वनि सुनने की कोशिश कीजिए। दोनों पाइपों की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि जिससे कि आपको घड़ी की ध्वनि अच्छी प्रकार से स्पष्ट सुनाई देने लगे। इन पाइप तथा अविलंब के बीच के कोणों को मापिए तथा इनके बीच के संबंध को देखिए। दाईं ओर के पाइप को ऊर्ध्वाधर दिशा में थोड़ी सी ऊंचाई तक उठाइए और देखिए क्या होता है। इस क्रियाकलाप में घड़ी के स्थान पर किसी कंपन मोड पर रखे मोबाइल फोन का भी उपयोग किया जा सकता है। प्रतिध्वनि क्या होती है? किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट आप जोर से चिल्लाएं और ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदन लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड मान लें तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस
श्रोता तक पहुंचने में 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तक सतह तक जाने और वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 344 मीटर प्रति सेकंड इंटू 0.1 सेकंड मतलब 34.4 मीटर होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। यह दूरी वायु के ताप के साथ बदलती जाती है क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में परिवर्तन हो जाता है। ध्वनि के बारंबार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियां भी सुनाई दे सकती हैं। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि के बराबर बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। अनुरणन किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है जब तक कि यह इतनी कम न हो जाए कि यह सुनाई ही न पड़े। यह बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है अनुरणन कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है। अनुरणन को कम करने के लिए सभी भवनों की छतों और दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे रबड़ फाइबर बोर्ड खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों को चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर किया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं 12.2। एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। इसका हल करते हैं। ध्वनि चाल दे रखी है वी बराबर 346 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि सुनने में लिया गया समय टी बराबर 2 सेकंड। ध्वनि द्वारा चली गई दूरी वी इंटू टी मतलब 346 मीटर प्रति सेकंड गुणा 2 मतलब 692 मीटर। 2 सेकंड में ध्वनि ने चट्टान तथा मनुष्य के बीच की 2 गुनी दूरी तय की। अतः चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी 692 बटे 2 मतलब 342 मीटर। चट्टान मनुष्य से 342 मीटर दूरी पर मौजूद थी। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। पहला, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तूर्य तथा सहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे बढ़ने की दिशा में भेज देता है। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के काम में आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परावर्तन कारण डॉक्टर कानों तक पहुंचती है। तीसरा, कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए जैसा कि चित्र 12.14 में दर्शाया गया है। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे रखा जाता है जिससे कि ध्वनि पट्ट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। इस प्रकार से बात करें हम श्रव्यता का परिसर कहाँ तक सुन सकते हैं। हम सभी आवृत्तियों की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। जो जो व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्तियों की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अवश्रव्य ध्वनियों को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते जैसे हम किसी मक्खी पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। राइनोसिरस मतलब गैंडा 5 हर्ट्ज की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। व्हेल और हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। भूकंप मुख्यतः प्रगति तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं जो असंभव जंतुओं को सावधान कर देता है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ और पॉर्पोइज
जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं, कुछ प्रजाति के शलभों मतलब मोथ्स के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राही होते हैं। ये शलभ चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की चींची की ध्वनि को सुन सकते हैं। उन्हें अपने आसपास उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और इस प्रकार स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। श्रवण सहायक युक्ति, जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व एक स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को परिवर्तित कर देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगें कान के डायफ्राम पर आपतित होती हैं तथा व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है। पराध्वनि के अनुप्रयोग, पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। पराध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने के लिए मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगें भेज जाती हैं। उच्च आवृत्ति कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों मतलब पिंडों में दरारों और अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। धात्विक घटकों को प्राय बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते भवन या पुल की संरचना को मजबूती को कम कर देते हैं। पराध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से गुजारी मतलब प्रेषित की जाती हैं और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती हैं जो दोष की उपस्थिति को दर्शाती है। इस तरह से यहाँ पर दोष होती है वापस लौट जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम साधारण ध्वनि जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। दोषयुक्त स्थान के कोणों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती है, इसलिए इन ध्वनि का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इन तकनीकों को इकोकार्डियोग्राफी या ECG कहा जाता है। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस संसूचक से रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह संसूचक को शरीर की असमानताएं जैसे पित्ताशय तथा गुर्दे की पथरी तथा विभिन्न अंगों में अर्बुद मतलब ट्यूमर का पता लगाने में सहायता करता है। इस तकनीकी में पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं तथा उस स्थान से परावर्तित हो जाती है जहाँ उत्तक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जा सकता है जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाए। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म द्वारा मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जाँच तथा उसके नवजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं को पता लगाने में किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जा सकता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। सोनार, सोनार क्या है इसे आप जरूर पढ़ें क्योंकि ये आपसे पीछे क्वेश्चनों में दिया हुआ है। सोनार शब्द मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार कैसे कार्य करता है? सोनार में एक प्रेषित्र तथा एक संसूचक होता है और इसे किसी नाव या जहाज में चित्र 12.17 की भांति लगाया जाता है। इस प्रकार प्रेषित पराध्वनि तरंगें उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। ये तरंगें जल में चलती हैं और समुद्र तल में पिंड से टकराने के पश्चात परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है जिससे जिनकी उचित रूप से व्याख्या कर ली जाती है।
जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करके उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है जिससे ध्वनि तरंग परावर्तित हुई है। मान लीजिए पराध्वनि संकेत के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल टी है तथा समुद्री जल में ध्वनि की चाल वी है, तब सतह से पिंड की दूरी 2D होगी, 2D बराबर वी इंटू टी। उपरोक्त विधि को प्रतिध्वनिक परास कहते हैं। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्री गहराई ज्ञात करने के लिए जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल मतलब प्लावी बर्फ, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक उदाहरण दे रखा है, एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है जो जल में जो समुद्री जल में परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संशोधित की जाती है। यदि समुद्र जल में पराध्वनि की चाल 1231 मीटर प्रति सेकंड हो तो समुद्र तल से जहाज की कितनी दूरी होगी? तो यहाँ पर इसका हल इस तरह निकाला जाएगा, प्रेषण तथा संसूचन में लगा समय टी बराबर 3.42 सेकंड, समुद्र जल में पराध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड, पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी 2D अर्थात डी समुद्र की गहराई है, 2D बराबर ध्वनि की चाल इंटू समय मतलब 1531 × 3.42 ये होगा 5236 मीटर, और इसको डी निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे तो ये होगा 2618 मीटर गहराई होगी उस समय समुद्र की। अतः जहाज से समुद्र तल की दूरी 1618 मीटर या फिर 2.62 किलोमीटर होगा। ठीक है, जैसा कि पहले वर्णन किया गया कि चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजनों खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं तथा परावर्तन के पश्चात उनका संसूचन करता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारत्व के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुँचते हैं। इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध या कीट कहाँ पर है और इस किस प्रकार का है। पोरपोइज मछलियाँ भी अंधेरे में संचालन वह भोजन की खोज में पराध्वनि का उपयोग करती हैं। मानवकरण की संरचना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न, तो ध्यान से पढ़ें इसको। हम कैसे सुनते हैं? हम एक अति संवेदी युक्ति जिसे कान या कर्ण कहते हैं की सहायता से सुन पाते हैं। यह श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है जो श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। मानव कान द्वारा सुनने की प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो ये कान का चित्र है। बाहरी कान कर्ण पल्लव कहलाता है। यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि श्रवण नलिका से गुजरती है। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपट या कर्णपट झिल्ली कहते हैं। जब माध्यम के संपीड़न कर्ण पट्ट तक पहुंचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्ण पट्ट को अंदर की ओर दबाता है। इस प्रकार विरलन के पहुंचने पर कर्ण पट्ट बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्ण पट्ट कंपन करता है। मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां मुग्धरक, निहाई और वलयक स्टीरप इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावृत्त द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। तो इसी के साथ ही हमारा यह अध्याय खत्म होता है। आप इसके प्रश्नोत्तर स्वयं कर लेना। यदि किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसको जरूर करवा दूंगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।